दोस्तों आज मैं साल 2014 में आई अस द गॉड्स विल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिल्म की शुरुआत सुन नाम के एक लड़के से होती है जो अपने लाइफ से काफी बोर हो गया था। वो स्कूल जाता, स्कूल से घर आता। उसकी लाइफ बिल्कुल एक नॉर्मल लड़के की तरह ही चल रही थी। उसके लाइफ में कुछ भी मजेदार नहीं हो रहा था, तो वो अपना मन बहलाने के लिए तरह तरह का वीडियो गेम खेला करता था, लेकिन वो उससे भी बहुत जल्द बोर हो जाता था। और ऐसे ही एक दिन सुन भगवान से विश मांगता है, काश मेरे लाइफ में भी कुछ अच्छा होता, काश मेरी लाइफ भी एक गेम की तरह होती जिसे जीने में बहुत मजा आता। फिर क्या, जब अगले ही दिन सुन का क्लास चल रहा होता है तो उसके टीचर का अचानक से सर फट जाता है और उसके अंदर से डोरमाडोल बाहर निकलकर आती है, और जो भी बच्चा अपने जगह से हिलता था डोरमाडोल उसका सर फाड़ देती थी। डोरमाडोल हर गाने के बाद एक राउंड लगाती थी और कोई भी बच्चा अपने जगह से हिलता नजर आता था तो वो उसका वहीं पर सर फाड़ देती थी। तभी उनमें से एक लड़का उसके पीछे लिखे हुए रूल को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि गेम खत्म होने से पहले डोल के पीछे लगे बटन को प्रेस कर गेम को जीता जा सकता था। और ये सुनते ही एक लड़का बटन को प्रेस करने के लिए डोल की तरफ तेजी से बढ़ता है, तभी वो डोल उसकी तरफ मुड़ जाती है और उसका सर वहीं पर फाड़ देती है। अब बस गेम खत्म होने में एक ही मिनट बचा था, इसलिए सभी बच्चे डरकर उस बटन को प्रेस करने के लिए डोल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इसी बीच डोल उनकी तरफ मुड़ जाती है, फिर सारे बच्चे को एक एक कर मार डालती है। सारे बच्चे मारे जाने के बाद अब सुन और उसका फ्रेंड बचा था। फिर सुन के दोस्त को एक आइडिया आता है कि सुन उसके कंधे पर जंप कर जाए और बटन को प्रेस कर दे। अब बस एक ही सेकेंड बचा था, लेकिन तभी सुन जंप करके बटन को प्रेस कर देता है और गेम को जीत जाता है। फिर दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। फिर सुन का फ्रेंड उसे कांग्रेस करता है, पर तभी डोरमाडोल उसका सर भी फाड़ देती है, क्योंकि रूल के मुताबिक जो उसका बटन प्रेस करेगा वही बच पाएगा। अब सुन इससे और भी ज्यादा डर जाता है। फिर डोरमाडोल उसे ये भी बताती है कि एक बिल्ली आएगी जो सभी को खा जाएगी, लेकिन सुन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सुन को उसकी फ्रेंड इचका दिखती है। सुन उसके पास जाता है तो पता चलता है कि पूरे स्कूल के हर एक रूम में ही गेम चल रहा है, और इचका अपने क्लास की विनर थी जैसे सुन अपने क्लास का था। वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। वो बाहर निकलने के लिए वहाँ का कांच तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। फिर वो भागकर एक बड़े से हॉल में जाते हैं जो बास्केटबॉल का रूम था। वहाँ सभी लोग चूहे के कपड़े पहन रखे थे और जमीन पर लिखा था कि जो बिल्ली की घंटी लगाएगा वही जीत पाएगा। तभी जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी जायंट बिल्ली बाहर आती है, क्योंकि अब दूसरा लेवल शुरू हो गया था। बिल्ली उन्हें आते ही खाना शुरू कर देती है, जिसे वो देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, मगर बिल्ली उन्हें एक एक करके खाने लगती है। इसका भागते हुए डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाती है। तभी उसे एक घंटी दिखती है जिसमें टाइम चल रहा था। बिल्ली के गले में बास्केट बंधा देखकर सुन समझ जाता है कि अगर गेम जीतना है तो किसी को भी इस घंटी को बास्केट में डालना ही होगा। मगर गेम भी खत्म होने में बस 9 मिनट ही बचा था, तभी उनमें से एक बेहतरीन बास्केट प्लेयर आकर बॉल को बास्केट की तरफ फेंकता है, और जैसे वो गेम को जीतने वाला था तभी कैट अपने दोनों हाथों से बॉल को पकड़ लेती है और बहुत ही तेजी से उस बॉल को उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे उस लड़के की मौत वहीं हो जाती है। तभी सुन नोटिस करता है कि कैट सिर्फ उन्हें ही मार रही थी जिन लोगों ने चूहे के ड्रेस पहन रखे थे, इसलिए वो जल्दी से सभी को ड्रेस निकालने के लिए कहता है, जिससे कैट कुछ देर के लिए रुक जाती है, लेकिन वो फिर से इन्हें मारकर खाना शुरू कर देती है। और कैट इचका को भी मारने वाली थी। तभी सुन चूहे का ड्रेस पहनकर बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अब कैट सबको छोड़कर सुन के पीछे ही पड़ जाती है, लेकिन चूहे का ड्रेस पहनकर सुन को कैट की बातें समझ आने लगती है। फिर वो कैट के पीठ पर चढ़कर उसे बहुत ही प्यार से सहलाने लगता है। उसे देखकर बाकी के लोग भी वैसा ही करने लगते हैं, और ऐसा करने पर कैट किसी पर भी हमला नहीं करती है, बल्कि वो बहुत जल्द सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद सभी लोग आपस में झगड़ने लगते हैं कि सबसे पहले कौन बॉल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें डर था कि पिछले गेम की तरह सिर्फ बॉल डालने वाला ही न बच जाए। और उनकी आवाज़ सुनकर कैट फिर से जाग जाती है और सभी को मारने लगती है। अब ये सब देखकर सुन एक आइडिया लगाता है। वो दोनों कैट को चकमा देने के लिए उसकी तरफ दो बॉल फेंक हैं, जिसमें से एक बेल थी और एक सिंपल बॉल थी, क्योंकि उससे कैट कंफ्यूज होकर बॉल को ना रोक पाए और ये गेम जीत जाए। ये गेम जीतने के काफी करीब ही थे, लेकिन सुन का निशाना गलत हो जाता है और उनके पास केवल 2 ही सेकेंड बच गया था। तभी वहाँ पर स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का अमाया आकर अपनी जान की नापरवाह करते हुए बॉल को बास्केट में डाल देता है, जिससे वो दूसरा राउंड भी जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद अमाया सुन और इचका को छोड़कर बाकी के सभी को मार देता है और कहता है ये गेम खुद भगवान ने बनाया है।
और ये गेम वही लोग जीतेंगे जो ताकतवर हैं। तभी बिल्ली अपने अंदर से धुआं निकालती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग ऐसे विनर स्टूडेंट को सभी जगहों पर लाइव देख रहे थे, लेकिन ये सब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कर कौन रहा है। पूरी दुनिया में करोड़ों बच्चे मारे जा चुके थे और पूरी दुनिया के मिलिट्री फोर्सेज और कमांडोज हर तरह से इस गेम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और जो भी बच्चे बचे थे उन्हें लोगों ने गॉड चिल्ड्रेन टाइटल दे दिया था और सभी लोग ये यकीन करने लगे थे कि ये सब भगवान कर रहे हैं। जितने भी बच्चे बचे थे वो एक व्हाइट क्यूब में थे जो हवा में तैर रहा था, जहाँ से निकलने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं था। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक रेडियो को छूकर ठीक कर देता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद यही भगवान है और जो भी इस दुनिया में चल रहा था यही आदमी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्यूब में हमें दिखाया जाता है कि सून को होश आ गया था और सून देखता है कि वो अभी भी गेम में है। तभी वो स्क्रीन पर देखता है कि जिस पर लिखा था चाबी ढूंढो और बाहर जाओ। तभी वहाँ पर चार डॉल आती हैं। वो उन्हें तीसरे राउंड के गेम का रूल समझाती हैं। तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे। जैसे ही गाना खत्म होगा तुम्हें अपने पीछे वाले डोल का नाम बताना होगा। अगर तुमने गलत बताया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। पहले वो एक लड़के को चुनती हैं, पर वो लड़का उनके सवालों का गलत जवाब देता है जिससे वो डोल उस लड़के को मार देती है। इसके बाद एक लड़की की बारी आती है, लेकिन वो लड़की भी टाइम के अंदर जवाब नहीं दे पाती है जिससे वो डोल बहुत ही बुरी तरह से उसे भी मार देती है। अब सुन और उसके फ्रेंड की बारी थी, लेकिन सुन उसे बचाने के लिए पहले वो गेम खेलता है। वो सुन को बीच में बैठाकर चारों तरफ घूमकर गाना गाने लगती हैं और गाना खत्म होने पर वो उसे डोल का नाम पूछती हैं, लेकिन सुन कुछ भी नहीं बोलता है और आवाज आती है कि टाइम खत्म हो गया। तभी उसके पीछे वाले डोल कहती है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। जब सुन उसकी आवाज़ सुनता है तो तुरंत उसका नाम बता देता है, जिसे सुनकर चारों डोल हंसने लगती है कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं। पर तभी सुन बताता है कि टाइम खत्म होने की आवाज़ उसके फोन से आ रही थी, जिसे हमें पता चलता है कि सुन उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था क्योंकि इससे पहले जो गेम खेले गए थे सुन ने उनकी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली थी। फिर सुन कहता है कि अभी भी उसके पास टाइम बचा है। इस तरह से वो उन्हें बेवकूफ बनाकर तीसरा राउंड भी जीत जाता है और गेम को जीतते ही चारों डोल फट जाती है और उन्हें चाबी मिल जाती है। वो दोनों चाबी लेकर बाहर आते हैं। बाहर उन्हें एक लड़का मिलता है जो इनके ही तरफ तेजी से भागा आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डोल भी आ रही थी। लड़का उन्हें बताता है कि जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे डोल हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। और इतने में ही वहाँ पर इच्छा भी आ जाती है। फिर वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें दो लड़के और मिलते हैं, लेकिन जिस डोर को उन्हें खोलना था उन्हें 7 चाबियां की जरूरत थी मगर इनके पास केवल 4 ही चाबियां थी। पर तभी वहाँ पर अमाया 3 चाबियां लेकर आ जाता है। अमाया जिस लड़के के साथ आया था वो उसे वहीं पर मार देता है। वो डोर खोलने के लिए सभी चाबियों को लगाते हैं और चाबियां लगाते ही आवाज आती है कि तुम लोग अपना ड्रेस बदल लो। वो ड्रेस बदलकर 4थे लेवल में आ जाते हैं जहाँ उनसे एक सफेद भालू मिलता है और भालू उन्हें 4थे लेवल का रूल समझाता है। अगर तुम लोगों ने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो सभी लोग बच जाओगे, लेकिन अगर गलत जवाब दिए तो सभी लोग मारे जाओगे। फिर भालू उनसे सबसे पहला सवाल करता है कि तुम्हारा सबसे फेवरेट फूड कौन है। सभी लोग अपने फेवरेट फूड का नाम बता देते हैं, लेकिन भालू कहता है तुम लोगों में से कोई है जो झूठ बोल रहा है। बहुत सोचने पर उन्हें पता चलता है कि वो वही लड़का था जिसके पीछे डोल पड़ा था, लेकिन वो लड़का कहता है मैंने तो सच बोला है। मगर फिर भी भालू उसे जान से मार देता है और भालू दूसरा सवाल करता है कि क्या तुम लोगों को भालू पसंद है। सभी लोग यस में जवाब देते हैं, लेकिन वो भालू फिर से कहता है तुम में कोई है जो फिर से झूठ बोल रहा है। फिर सुन को छोड़कर सभी लोग सुन के फ्रेंड की तरफ उंगुलियां कर देते हैं, लेकिन वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर सुन के अलावा उसका कोई भी यकीन नहीं करता है। फिर भालू उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है और ये सब देखकर सुन समझ जाता है कि आखिर झूठा कौन है। वो भालू की तरफ अंगुलियां करते हुए कहता है यहाँ कोई झूठा नहीं है बल्कि तुम झूठे हो क्योंकि तुम सफेद भालू नहीं बल्कि काले भालू हो। और ये कहते ही भालू सफेद रंग से काले रंग में बदल जाता है। इस तरह से वो 4था लेवल भी जीत जाते हैं। इसके बाद वो 5वें लेवल में एंटर कर जाते हैं। तभी उनके पास 3 डोल आती है और गेम का रूल समझाती है कि उनमें से एक को डेविल बनना होगा और बाकी के सभी जाकर छुप जाएंगे। दरअसल 5वें लेवल का रूल था कि उन चारों को धोकर एक टीन के डिब्बे के ऊपर किक मारना था इससे वो विजेता बन जाएगा।
लेकिन ऐसा करने से सिर्फ वही बचेगा और बाकी के चार मारे जाएंगे। लेकिन डेविल के पकड़ने से पहले अगर कोई दूसरा किक कर देगा तो वो चारों बच जाएंगे, लेकिन वो खुद मर जाएगा जिसने उसे किक किया होगा। यहाँ उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाई करना था। तभी तीली की मदद से डेविल को चुना जाता है, जिसमें अमाया डेविल बनता है। अब डोल गेम शुरुआत कर देती है। वो चारों को चारों जाकर छिप जाते हैं। अमाया उस टीन को उसकी सही जगह पर रख देता है और चारों को ढूंढने निकल जाता है। अमाया बहुत ही जल्द दो लोगों को पकड़ लेता है, उन्हें काफी पीटने के बाद जेल में लाकर बंद कर देता है। सुन इचका एक जगह पर छिपे हुए थे, लेकिन अमाया वहाँ पर भी आ जाता है। इचका सुन को बचाने के लिए जल्दी से अमाया के पास आ जाती है। अमाया उसे भी पकड़ लेता है और सुन से कहता है, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तीन लोगों को तो पकड़ रखा है और ये तीनों के तीनों ही मारे जाएंगे। दरअसल ये सब अमाया की चाल थी, ये ऐसा कहकर सुन को उस्ता रहा था। लेकिन इचका कहती है, तुम बाहर मत आना। लेकिन सुन उनकी जान बचाने के लिए लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है, तुम ये कवच पहनकर मुझे हराने आए हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और नाम लेने की देरी है जिससे मैं विजेता बन जाऊंगा और तुम सब मारे जाओगे। वो बहुत ही आसानी से सुन का हेलमेट उतार देता है। तब सुन कहता है, मेरा मकसद तुम्हें हराने का नहीं है बल्कि तुम्हें रोकने का है। सुन कवच पहने हुए ही पानी में कूद जाता है और अमाया भी उसके पीछे खींचे हुए जाने लगता है, क्योंकि सुन ने कूदने से पहले अमाया को और खुद को एक लोहे की जंजीर में बांध दिया था। लेकिन सुन किसी भी तरह ऊपर आ जाता है, मगर वो नीचे गिरने की वजह से बहुत ही कमजोरी फील कर रहा था। वहीं अमाया भी अपनी पूरी ताकत से चैन को तोड़ देता है। अब दोनों ही गेम को जीतने के लिए टीन के तरफ तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन सुन किसी भी तरह टीन को किक कर देता है और गेम को जीत जाता है। लेकिन वो सब बहुत सैड हो जाते हैं क्योंकि गेम के रूल के मुताबिक सुन को मरना था, लेकिन वो देखते हैं कि वो टीन ब्लास्ट नहीं होती है और उनकी जान बच जाती है। इसके बाद वो डोल उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि टीन फटने वाली बात हमने झूठ बोली थी। अब वो सारे इस गेम के विनर बन जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। फिर डोल उन्हें आइसक्रीम देती हैं और कहती है, अब तुम सभी अपने नॉर्मल जिंदगी में जा सकते हो। मगर वो आइसक्रीम खाते हुए उसके स्टिक पर नोटिस करते हैं जिस पर लिखा था कि कौन कौन इस गेम का विजेता है। गेम के रूल के मुताबिक केवल सुन और अमाया ही विनर थे। फिर वो डोल बताते हैं कि इस गेम को वही जीत सकता है जिसके पास पावर और लक दोनों ही हो, जो कि दोनों ही सुन और अमाया के पास थी। फिर वो डोल इचका के साथ साथ उन दोनों लड़कों को भी मार देती हैं और पांचवें लेवल का नाम देते हैं गेम ऑफ लक। फिर वो क्यूब के ऊपर आते हैं। वहाँ के सारे लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और करोड़ों बच्चों में से केवल दो ही बच्चे उस गेम का विजेता बन पाए थे। लेकिन सुन अपने दोस्तों को खोने से काफी दुखी था, लेकिन अमाया बहुत ही खुश था। पूरी दुनिया उन्हें गॉड चिल्ड्रेन का नाम दे देती है। लेकिन सुन दुखी होते हुए कहता है कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता। पर तभी उसके पीछे खड़ी डोल उससे कहती है, गेम का असली मकसद तुम्हें भगवान के पास ही ले जाना था। वो ये कर उस रेडियो वाले आदमी के तरफ पॉइंट करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान ही थे। फिर सुन उन्हें घूर कर देखता है और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।